माता, आपके इस गौरी स्वरूप की आवश्यकता पूरे संसार को थी। अब आपके भक्त आपके स्वरूप से प्राप्त होने वाली सिद्धियों का लाभ उठाने में सक्षम होंगे। मेरा महागौरी स्वरूप इस बात का प्रतीक होगा कि एक स्त्री को गृहस्थी के उत्तरदायित्व संभालते हुए भी अपने स्वयं के स्वतंत्र अस्तित्व को नहीं भूलना चाहिए। माता, अब आप अति शीघ्र कैलाश लौटिए। महादेव, गणेश, कार्तिकेय आपसे अलग होने के कारण अत्यंत दुखी हैं। सोमनंदी, तप के मध्य तुमने मेरी काफी सेवा की है, अतः तुम भी मेरे साथ कैलाश चलोगे। जाओ पार्वती, तुम कैलाश में प्रवेश नहीं कर सकती। क्या हुआ? आपने मुझे क्यों रोक दिया स्वामी? ये तो मेरा सिंह, मेरा भक्त सोमनंदी है, इसीलिए अब से ये मेरी सेवा में कैलाश में ही रहेगा। किंतु यह संभव है पार्वती। क्यों असंभव है स्वामी? क्योंकि यह कैलाश के नियमों का उल्लंघन होगा जो मैंने स्वयं स्थापित किए हैं। कैसा नियम स्वामी? क्योंकि मात्र मेरे गणों को ही कैलाश में निवास करने का अधिकार है, किसी अन्य जीव को नहीं। किंतु ऐसा नियम क्यों स्थापित किया आपने? उसका क्या औचित्य है? हिंसक प्रवृत्ति है सिंह की। पूर्व काल में इसने ऋषि मुनियों के साथ गौ माता को आखेट कर उनके संहार करने का पाप किया है। किंतु ये पाप तो इसने मेरे शरण में आने के पूर्व किए थे स्वामी, और अब तो ये सुधर चुका है। अपनी हिंसक प्रवृत्ति का परित्याग कर इसने मेरे तप की अवधि में मेरी निगरानी कर मेरी सेवा की है। इसने मेरे तप में कोई विघ्न नहीं उत्पन्न होने दिया। इसने इसके अंतर में मेरे प्रति भक्ति जागृत होने से ही इतना बड़ा परिवर्तन आया है। इसमें इसने भक्ति पथ पर चलना आरंभ कर अपनी पाप की यात्रा का अंत कर दिया है। स्वामी, सोमनंदी मेरा कृपा पात्र है, और जिस पे मेरी कृपा दृष्टि होती है वो अपने समस्त दुखों, पापों और कष्टों से मुक्त हो जाता है। आपके गण आपके कृपा पात्र हैं, इसीलिए उन्हें कैलाश में निवास करने का अधिकार है। किंतु ये मेरा भक्त है, और मेरा भक्त होने के कारण इसकी गणना भी आपके गणों में होनी चाहिए, और इसे भी कैलाश में रहने का अधिकार मिलना चाहिए स्वामी। किंतु माता, कैलाश में तो पिताश्री के प्रमुख गण नंदी जी भी निवास करते हैं, और ये तो सर्व ज्ञात है ना माता कि सिंह और वृषभ अपनी चिर शत्रुता के कारण एक साथ कदापि नहीं रह सकते। पुत्र, कैलाश जैसे पावन स्थान पर शत्रुता का भाव कहाँ रह सकता है? कैलाश जैसे स्थान पर सभी जीवों को समान सम्मान प्राप्त होता है, जहाँ कोई भी जीव किसी भी अन्य जीव का आखेट नहीं करते, जहाँ के वासी अहंकार से परे हैं, द्वेष,
ईर्ष्या, शत्रुता, जहाँ स्वतः ही मिट जाती है, जहाँ विचार एवं कर्म में किसी भी प्रकार की नकारात्मकता का कोई भी स्थान नहीं होता, पुत्र। मैं उचित कह रही हूँ ना स्वामी? ये कैलाश ही है जहाँ महादेव के सर, पुत्र गणेश के मूषक, पुत्र कार्तिकेय का मयूर प्राकृतिक स्वभाव से शत्रु होते हुए अपनी शत्रुता के भाव से रिक्त होकर शांति और सौहार्द से एक साथ विचरण करते हैं। उसी प्रकार नंदी और सोमनंदी भी एक साथ यहाँ निवास करेंगे। आपने सर्वथा सत्य कहा प्रिय, जहाँ शत्रु पैर फूलकर मित्रता अपना ले, वही तो कैलाश है। मैं आपके सिंह सोमनंदी को अपने गणों में स्थान देकर अपने कैलाश में निवास करने की अनुमति प्रदान करता हूँ। को ये लाल पुष्प पंखुड़ियों की परत कैसी प्रतीत हो रही है? मैंने स्वयं आपके स्वागत में इन्हें बिछाया है। ये तो अति सुंदर है पुत्र। और माँ, ये रंगोली मैंने बनाई है, कैसी है? ये भी अति सुंदर है। नाथ, मेरे दोनों पुत्रों ने इतने उत्साह से मेरे स्वागत की व्यवस्था की है, किंतु आपने मेरे स्वागत के लिए क्या किया है नाथ? पार्वती, पुष्प तो नहीं, किंतु मेरे नेत्र, मेरे प्राण, मेरी प्रत्येक श्वास सभी आपकी प्रतीक्षा में कब से बिछे हैं। आज मैं अपने दिव्य स्वरूप में हूँ, तो आपकी दृष्टि एक तक मुझ पे ही टिकी हुई है। इसके पूर्व तो आपको मेरी दिव्यता में दोष दिखाई दे रहा था ना नाथ? देवी, देवी महागौरी, प्रिय, आपके तो सभी स्वरूप दिव्यता से परिपूर्ण है, उनमें कोई दोष कहा, और मुझे आपके प्रत्येक रूप से अपार स्नेह है। मैं आपकी निंदा करने की तो कल्पना भी नहीं कर सकता, किंतु आपको अपना वास्तविक परिचय स्मरण हो, आपका ये दिव्य स्वरूप सृष्टि के हित में संसार के समक्ष उजागर हो, आपका ये दिव्य रूप अपनी दिव्यता से सृष्टि का उद्धार करे, ये लीला तो इसलिए हुई है। स्वामी, किस लीला का उल्लेख कर रहे हैं? अर्थात मेरे इस रूप को धारण करने का कोई और उद्देश्य भी है?